हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। गाइस इस वाले वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ PS Vita 3 के एंड्रॉयड एमुलेटर में कैसे स्पीड अप तुम लोग कर सकते हो, और अगर तुम्हारा डिवाइस सपोर्टेड नहीं है तो कैसे सपोर्ट कर सकते हो। तो ये वाला वीडियो शुरुआत से लेकर एंड तक देख लेना गाइस। लास्ट टाइम मैंने अपलोड किया था PS Vita 3 के एंड्रॉयड वीडियो में, जिसमें कि गाइस 20K प्लस में व्यू आया था, और भाई वो भी स्पीड अप के ऊपर था। और भाई ये वाला वीडियो उसी की तरह गाइस हेल्पफुल होने वाला है गाइस। ओके तो आ जाना है गाइस तुम्हें यहाँ पे PS Vita के ऑफिशियल वेबसाइट में। तो गूगल में सर्च मार देना Vita 3 के, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे गाइस तुम्हें लोग को क्लिक कर देना है। एंड्रॉयड में जो है लेटेस्ट वर्जन गाइस आ गया, और इस वाले लेटेस्ट वर्जन में मैं तुम्हें पूरा सेटअप अभी करके दिखाऊंगा, प्लस मैंने इंस्टॉल भी कर रखा है अभी। और यहाँ पे मैं पहले तुम्हें जल्दी जल्दी गाइस समझा देता हूँ कैसे स्पीड अप करोगे ये वाला डाउनलोड करने के बाद। तुम गाइस यहाँ पे सपोर्टेड है ओपन GLES, अगर तुम्हारा डिवाइस पहले सपोर्टेड नहीं था वहाँ पे बस GPU के अंदर बस एक ही ऑप्शन आता था वल्कून वाला, तो अब यहाँ पे सपोर्ट करेगा ओपन GLES गाइस। ओके उसके बाद न्यू मिप मैपिंग में 3 पेजेस गाइस अब अवेलेबल हो गया है। तो कुछ ऐसा चीज़ था जो कि तुम्हारा वहाँ पे ग्लिच होता था, तो तुम अब नेक्स्ट पेज सेलेक्ट करके उसे फिक्स भी कर सकते हो। और यहाँ पे R2 L2 बटन जो है वो फिक्स भी कर दिया गया है, और यहाँ पे टच हैंडलिंग भी इम्प्रूवमेंट कर दिया गया है, और जो स्क्रीन का DPI रेशियो था गाइज वो फिक्स कर दिया गया है। और ये PS Vita PC वर्जन का है यहाँ पे गाइज अपडेट, ये बात नहीं है कि ये यहाँ पे एडिड नहीं है, ये भी एंड्रॉयड में एडिड है गाइज। ओके तो हमने यहाँ पे गेम यहाँ पे चला लिया है, और मैं इसको एक बार तुम्हारे लिए, ये जो गेम है अभी तक वर्क कर रहा था, रन कर रहा था, इसको मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। और फटाफट से तुम्हें यहाँ पे सेटिंग्स बता देता हूँ गाइज कैसे तुम करोगे। तो गाइज यहाँ पे नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे ओपन GL वर्जन जो है वहाँ पे अवेलेबल हो गया, लेकिन जैसे तुम ये सब सेलेक्ट करोगे तो यहाँ तुम्हारा GPU ड्राइवर का ऑप्शन है वो डिजेबल हो जाएगा। और यहाँ पे सेव करके मैं इसे क्लोज करता हूँ, तो गाइज आप देखते हैं क्या होता है गाइज यहाँ पे। जल्दी जल्दी मैं गाइज तुम्हें करके दिखा देता हूँ, अगर तुम चैनल में नए हो तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। एज यू कैन सी अब हमारा GPU वाला ऑप्शन चले गया है, और हम अब ये ट्राई करने के बाद गेम भी प्ले कर सकते हैं गाइज। ओके तो इतना मैंने तुम्हें दिखा दिया, ये ट्राई करने के बाद तुम्हें गेम एक बार देख लेना कि कैसा चल रहा है। और गाइज अगर तुम चाहते हो पहले GPU ड्राइवर वाला ऑप्शन अनेबल करना, तो वल्कून में क्लिक करने के बाद से सेव करके क्लोज कर दो, और जो एम्युलेटर है उसको रिस्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे हमने एम्युलेटर को रिस्टार्ट कर दिया, अब हमारा जो GPU ड्राइवर वाला ऑप्शन है ये अवेलेबल है। और हाँ गाइज ये मैंने कल ही डाउनलोड किया है 23.0.3 वर्जन, अगर तुम्हें चाहिए तो यहाँ पे तुम्हें कमेंट में एक वीडियो दूंगा, उस वीडियो को तुम्हें क्लिक करने के बाद उसके कमेंट में तुम्हें डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, तो तुम वहाँ से जाके ये ड्राइवर वर्जन डाउनलोड कर सकते हो गाइज, जो कि फास्ट है। और हाँ गाइज एंटीअलाइजिंग से क्या होता है, गेम का जो टेक्स्ट इश्यू होता है वो फिक्स होता है। एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ अब आ गया है, स्मूदिंग आउट ऑफ एजेस कर देगा ये जो भी है टेक्निक से। और उसके बाद गाइज यहाँ पे है ये जो मैंने तुम्हें बताया था मैपिंग में 3 से 4 पेजेस अवेलेबल होगा, यहाँ पे 3 पेजेस यहाँ पे अवेलेबल हुआ है। अभी तुम्हें मैं डिफरेंट बता देता हूँ, जैसे कि तुम अगर इसे अनेबल कर दोगे तो नेटिव बफर में अगर हम यहाँ पे रन करेंगे गेम एक बार परफेक्टली, इस गेम को हर एक ऑप्शन के बाद रिस्टार्ट करना पड़ेगा एमुलेटर को गाइज। ओके तो मेक श्योर कि तुमने हर एक स्टेप फॉलो किया है। तो ये एग्जांपल वीडियो गाइज दे रहा हूँ, और स्पीड अप वीडियो भी इसी में है अगर तुम समझ लेते हो तो। तो यहाँ पे अभी मैंने मिप मैपिंग में नेटिव सेटिंग्स अनेबल कर दिया, और हमारा अभी ग्राफिक्स अच्छा खासा दिख रहा है, लेकिन गेम एज यू कैन सी अभी गेम ठीक चल नहीं रहा, देख रहे हो गेम कट रहा है अभी हमारा, देख रहे हो गेम। और ऐसा गेम के अंदर भी ऐसा ही हाल होगा, तो अभी हमें दोबारा से आने के बाद यहाँ पे इसको सेटिंग्स को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे GPU में है ये ऑप्शन देख रहे हो तुम नेटिव बफर, इसको तुम्हें डिजेबल कर देना। नेटिव बफर गाइज उस सब डिवाइस के लिए है जो ज़्यादा एंड लो एंड डिवाइस होते हैं, तुम्हें एक बार यहाँ पे टेस्ट करना पड़ेगा कि नेटिव सही चल रहा है, पेज टेबल ये सही चल रहा है, डबल बफर ठीक चल रहा है, ठीक है। ओके गाइज तो यहाँ पे मीडियम एंड डिवाइस है गाइज तो मैंने डिजेबल कर दिया, अभी मुझे उसका ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम्हारे पास लो एंड डिवाइस है तो तुम एक बार अनेबल करके ग्राफिक्स में जाके देख लेना कि गेम सही चल रहा है नहीं चल रहा है। ओके गाइज ओ भाई यहाँ पर आने के बाद अब ये मोर शार्पर एज है, ये उतना ज़रूरी नहीं है गाइस। तो ये मैं सेव करके एक बार तुम्हें गेम प्ले करके दिखा देता हूँ कि भाई गेम चल तो चल कैसा रहा है। और यहाँ पे मैं आ गया, देख लो अब देखना गाइस कि क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है। मिप मैपिंग मैंने डिजेबल कर दिया। तो गाइस ये वाला वीडियो अगर तुमने
लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो लाइक करके भाई वीडियो शेयर कर देना अपने उन सब दोस्तों को जो कि नीडेड है उन सबको ये वाला वीडियो। एज यू कैन सी भाई हमने अब हमारा जो प्रॉब्लम था वो फिक्स कर दिया है एज यू कैन सी गाइज। तो आई होप तुम्हें ये वाला वीडियो जो है पसंद आएगा। थैंक यू वॉच करने के लिए वाला वीडियो एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज बाय बाय हैव अ नाइस डे।